बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सना अमीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक्स। पैनकेक्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एक कप यहाँ मैदा लिया है हमने, इसको छान कर रखा हुआ है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून इसमें चीनी जाएगी, ये हमने पीस कर रखी हुई है। और 2 से 3 ड्रॉप जाएंगे यहाँ पर वनीला एसेंस के। 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा नमक, 2 टेबलस्पून जाएगा ऑयल और 1 अंडा जाएगा रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। इसके अलावा 1/2 कप इसमें दूध यूज़ होगा। तो चले फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, इसमें अंडा ऐड करेंगे, ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें शुगर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम नमक डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे, मैदा ऐड करेंगे इसमें और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसका एक बैटर सा बनाना है हमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। बस ये हमें इतना ही चाहिए। अब ये रेडी हो गया है, अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हमने नॉन स्टिक का पैन लेकर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है। अब हम इसमें अपने केक का बैटर ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह की जगह, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। ये देखें, इसमें बबल्स बनना ऊपर से शुरू हो गए। ये अब रेडी होना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये एक साइड से अच्छे से हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है ये। अब हम दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से सेकेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड पर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपीज आप तक पहुँच सकें। ये बिल्कुल फ्री है। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये इस साइड से भी रेडी हो गया। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे पैनकेक्स रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो आप जब दूसरा कोई पैन इस्तेमाल करेंगे तो फिर हल्का सा ऑयल लगाकर फिर इसको बनाइएगा ताकि ये चिपके नहीं। ये देखें तमाम पैनकेक्स रेडी हो गए। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल देंगे। ये देखिए, हमारे मज़ेदार से पैनकेक रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी अम्मी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।